oldies, brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, like the peace and gloves. Now you got a deal right now. Hey guys, welcome to Bike Mania. I hope you guys are doing absolutely fine. So आ गए हम एक नया व्लॉग लेके और इस व्लॉग में आपको करवाने वाले हैं मैसूर जू का टूर। तो बात करते हैं एंट्री फीस की। एंट्री फीस एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज और किड्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50 रुपीज है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको बग्गी भी बोलते हैं, वो फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और उसका चार्जेस है 150 रुपीज फॉर एडल्ट्स एंड किड्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए 90 रुपीज। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैसूर में मैसूर का जू बहुत फेमस है, बहुत ही बड़ा जू है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। मैसूर आए और मैसूर का जू नहीं घुमा तो क्या घुमा। छोटा लग रहा है वो, तो पीछे देखो वो जो दिख रहा है पेड़ के पास, उसकी पर्सनालिटी देखो। बहुत सारे टाइप के आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। बाइसन जैसे भी आपने देखा, बाइसन एक्चुअली इतने पावरफुल होते हैं कि वो अच्छे खासे एक बड़े ट्रक को भी पलटा सकते हैं। मुझे इन सब में देखना पसंद है लॉयन, स्नेक, बुल, हाइना। ये स्पेशली तीन चार चीज़ें मेरी फेवरेट है। जब आता हूँ मैं स्पेसिफिकली इस ये जोन में ज़रूर जाता हूँ। और नागिन भी पसंद है। Thank you.
देखो इनको देखने में इंटरेस्ट तो बहुत आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारों कैसे बंद देख के दया बहुत आती है कि हम लोग जब जाते हैं सफारी वगैरह, जब ओपन जंगल में देखते हैं उसकी बात अलग रहती है, हाँ ऐसे बंद में देख के। जबरदस्त एनाकोंडा था, बस यही प्रॉब्लम है कि वो लोग अधिकतर टाइम सोते रहते हैं, मस्त खाने का और सोने का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैसूर जू। आई होप यू लव द वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।